Fever all character ability, Fever character ability, all character ability in Fever. So, hey guys, कैसे आप सब लोग? तो जी हाँ गाइस, आज हम लोग बात करने वाले फीवर का सारे कैरेक्टर्स के एबिलिटी के बारे में। एंड आपको तो पता होगा फीवर के अंदर कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब आपके पास अगर सही कैरेक्टर होता है, अच्छा कैरेक्टर लेकर अगर आप लोग खेल पाते हो, अगर आपको पता है कौन सा कैरेक्टर का क्या काम है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से गेम प्ले कर पाओगे। बात तो सही है। और इसका ठीक उल्टा, अगर आपको नहीं पता है कौन से कैरेक्टर का क्या काम है या फिर आप लोग यूज नहीं कर पाते ठीक ठाक से, तो आप लोग खेल ही नहीं पाओगे। मतलब बंदे को मार ही नहीं पाओगे, एनिमी आके आपको मार के चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो साला। तो कैरेक्टर्स फीवर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड अभी आपको पता होगा फीवर के अंदर सारे कैरेक्टर फ्री में मिल जाते हैं, मतलब आप लोग गोल्ड से एक्सचेंज कर सकते हो। एंड देख सकते हो मेरे पास सारे कैरेक्टर। आज हम इस फीवर के अंदर जानने वाले सारे कैरेक्टर्स की एबिलिटी के बारे में, क्या क्या एबिलिटी है, कौन सा कैरेक्टर का क्या एबिलिटी है, कैसे काम करते हैं, या फिर जो भी कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो का इस एंड तक देखते हैं ना, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, फिर बेल आइकन के उसको दबाकर प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे गाइस सबसे पहले अगर आपको कैरेक्टर नहीं पता है कहां पे मिलते हैं फीवर के अंदर, तो यहां पे आपको कैरेक्टर के सेक्शन मिलते हैं, मतलब बिगिनर्स को मैं बता रहा हूं। तो यहां पे आपको मिलेगा कैरेक्टर का सेक्शन, जैसे आप लोग देख सकते हो। तो यहां से आप लोग कैरेक्टर में चले जाना, सारे कैरेक्टर इधर से आपको मिल जाएगा। और अगर आपको कैरेक्टर परचेस करने हैं तो आप लोग स्टोर में चले जाना, और इसके बाद आपको कैरेक्टर का ऑप्शन मिलेगा। तो जिनको नहीं पता अच्छे से आप लोग देख लो, यहां पे आपको कैरेक्टर काफी मिलेगा। इधर से आप लोग सारे कैरेक्टर परचेस कर सकते हो, गोल्ड से परचेस कर सकते हो, फिर डायमंड से भी परचेस कर सकते हो। गाइस अभी एक बहुत ही मस्त ऑफर है फीवर की तरफ से, जिससे आप लोग फ्री में डायमंड ले सकते हो या फिर फ्री में रिडीम कोड भी ले सकते हो। तो बहुत ही मस्त ऑफर है, बट कैसे क्या करने नहीं करने इसके बारे में जानने तो डिस्क्रिप्शन में आपको और एक वीडियो का लिंक मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद उसको जाके देख लेना। तो जो भी आपके पास नहीं है परचेस कर लेना, और मैं आपको भी बताता हूँ क्या क्या काम है, कौन सा कैरेक्टर कैसे यूज करना है। कैरेक्टर्स तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे आप लोग देख सकते हो। तो मैं आपको लास्ट से स्टार्ट करके बताता हूँ, मतलब लास्ट से हम लोग फर्स्ट तक जाएंगे। तो बहुत सारे कैरेक्टर है फीवर के अंदर, तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे लास्ट में या फिर फास्ट में बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कैरेक्टर आता है हमारा, तो इसका नाम है नुल्ला कैरेक्टर, जो कि आप लोग देख सकते हो किस टाइप से दिखता है। ये वाला कैरेक्टर का काम क्या है या फिर स्किल क्या है, तो बताना चाहूंगा। इस वाले कैरेक्टर का कोई भी स्किल नहीं है, कोई भी इसका मतलब पावर नहीं है, कुछ भी नहीं करते, बस ऐसे ही नॉर्मल कैरेक्टर है। और इसके अंदर आप लोग दूसरे कैरेक्टर्स का जो एबिलिटी होता है उसको आप लोग यूज करके खेल सकते हो। तो सबसे जो लास्ट का कैरेक्टर है ना नुल्ला कैरेक्टर, इसका कोई एबिलिटी नहीं है। और इसका बॉयफ्रेंड मतलब जो हमारा प्रीमियस कैरेक्टर है, इसका भी कोई एबिलिटी नहीं है। तो इसके बारे में आपको बाद में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे वाला जो कैरेक्टर है इसका कोई एबिलिटी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पे कैसे हमारे ओलिविया कैरेक्टर। तो सबसे पहले तो ओलिविया कैरेक्टर एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है, यानी कि इसके अंदर आपको कोई भी बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है। एंड बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो एक्टिव स्किल का होता है, मतलब उसके अंदर आपको बटन प्रेस करने की जरूरत रहता है। तो जो एक्टिव रहेगा फिर जो पैसिव रहेगा मैं आपको बता दूँगा। वाला कैरेक्टर एक पैसिव कैरेक्टर है जो कि ऑटोमेटिकली काम करेगा, इसके लिए आपको कुछ भी ऐसे मतलब बटन वगैरह प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका काम करते रहेगा। और जो एक्टिव कैरेक्टर रहता है ना, उसका अलग अलग कैरेक्टर का अलग अलग बटन रहता है जो प्रेस करके आपको यूज करना पड़ेगा, और उसका कुछ टाइम भी रहता है। तो ऐसे यूज होता है। ओलिविया कैरेक्टर का काम क्या है, तो जैसे आपका 10 मीटर के आसपास कोई एनिमी रहेगा, मतलब आपका टीममेट रहेगा 10 मीटर के आसपास, अगर आप लोग कोई मेडिकेट वगैरह यूज करते हो या फिर बोनफायर वगैरह चलाते हो, मतलब किसी भी तरीके से आपको अगर हेल्थ मिलते हैं, तो जो आपको हेल्थ मिलेगा ना उसका 80% आपका टीममेट को भी मिलेगा। मतलब अगर आपको 100 का हेल्थ मिलता है तो 80 हेल्थ आपका टीममेट को मिल जाएगा। तो बहुत ही काम का कैरेक्टर है, इसको आप लोग यूज कर सकते हो। फिर इसके बाद गाइस यहां पे एंड्रयू कैरेक्टर है, एंड ये भी एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है। एंड इसकी एबिलिटी क्या है कि यहां पे जो आपका आर्मर होता है, मतलब जो आपका यहां पे वेस्ट वगैरह होता है या फिर जो हेलमेट होता है, उसका ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब 25% इंक्रीज हो जाता है, मतलब बहुत ही हेल्प करते हैं। तो जो भी आपका जो वेस्ट रहेगा या फिर जो हेलमेट रहेगा ना, उसका जो एबिलिटी होता है, जो उसका पावर रहता है, वो इंक्रीज हो जाता है, एंड 25% इंक्रीज होता है। एंड बस इसका इतना ही कम है, इससे ज्यादा काम नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद गाइस यहां पे फोर्थ कैरेक्टर है, एंड ये भी एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है। एंड इसका काम क्या है कि आपको 10 HP का गेम मिलेगा, 30 सेकंड के अंदर आपको 10 HP का गेम मिलेगा, अगर आपको किसी भी तरीके से डैमेज मिलता है, मतलब कोई भी तरीके से अगर आपको डैमेज मिल जाएगा तो आपको 10 HP का गेम मिलेगा, मतलब 3 सेकंड के अंदर आपको 10 HP मिल जाएगा। तो 3 सेकंड पे बस आपको 10 HP मिलेगा। एंड इसका जो कूल डाउन टाइम है वो 20 सेकंड का है, मतलब 20 सेकंड बाद आप लोग डैमेज ले सकते हो, और इसके बाद आपको 10 HP करके 3 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। फिर इसके बाद गाइस यहाँ पे निकिता कैरेक्टर है, एंड ये भी एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है। तो इसका काम क्या है, तो जैसे ही आप लोग गोली वगैरह चलाते हो, मतलब जो आपका बंदूक होता है ना, मतलब जो आपका वेपन वगैरह होता है, तो उसका जो रिलोड स्पीड है वो इंक्रीज कर देते हैं, 20% इंक्रीज हो जाता है। तो जब भी आप लोग रिलोड वगैरह करोगे 20% आपका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। एंड साथ ही साथ जो आप लोग SMG MO अगर चलाते हो, मतलब शॉर्ट गन का नहीं, सिर्फ SMG MO का जो डैमेज होता है, लास्ट का जो 15 बुलेट रहेगा ना, उसका जो डैमेज है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, 30% इंक्रीज हो जाएगा। लगभग ऐसा समझ सकते हो कि आपके पास कोई EMP है,
के अंदर सिर्फ 15 बुलेट है एंड अगर आप लोग 100 का डैमेज देते हो 15 बुलेट से तो 30% एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 130 डैमेज मिल जाएगा उसको। क्या बात है, तो ये भी एक अच्छा गाइटर यूज कर सकते हो। एंड इसके बाद गाइस यहां पे मिशा गाइटर है एंड इसको ड्राइविंग क्वीन बोलते हैं, मतलब बहुत ही मस्त ड्राइव करते हैं। सबसे पहले तो ये वाला गाइटर पैसिव स्किल गाइटर है, मतलब आपको इसके लिए कोई बटन वगैरह प्रेस नहीं करने। एंड इसका जो एबिलिटी है क्या है कि आपको ड्राइविंग करने में हेल्प करेगा, तो सबसे पहले तो ड्राइविंग आप लोग अच्छे से कर पाओगे। एंड इसके बाद ड्राइविंग का जो यहाँ पे स्पीड होता है ना 10% इंक्रीज हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ अगर कोई एनिमी आपके ऊपर गोली चलाएगा तो गोली आपको नहीं लगेगा, मतलब बहुत ही हार्ड होता है गोली चलाना, आपको कोई मार ही नहीं पाएगा। एंड अगर बाय चांस आपको लग जाता है कोई भी डैमेज वगैरह लग जाता है तो उसका डैमेज का 20% डिक्रीज हो जाएगा, मतलब आपको अगर 100 का डैमेज कोई देते है ना तो यहाँ पे 100 डैमेज नहीं लगेगा, 80 डैमेज मिलेगा। तो भाई बहुत ही मस्त काम करते हैं, एक बार जरूर यूज करके देखना, बहुत ही आपको मजा आएगा। ठीक है, तो इसके बाद गाइस आते हैं हमारे यहाँ पे क्लार्क कैरेक्टर, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ टाइप से। एंड बहुत ही सिंपल इसका काम है। एंड सबसे पहले तो पैसिव स्किल कैरेक्टर है, तो इसका काम क्या है, जो आपका फिस्ट होता है, मतलब जो आप लोग हाथ से मुक्का वगैरह मारते हो ना, उसका यहाँ पे जो डैमेज होता है यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं, तो 400% इंक्रीज हो जाएगा। मतलब नॉर्मली आप लोग अगर किसी को फिर से 100 डैमेज देते हो तो अगर इस वाले कैरेक्टर को लेके खेलोगे तो 400 का डैमेज लगेगा, मतलब इसका जो हाथ का पावर है ना, इसका जो मुक्का है ना, बहुत ही मस्त है। तो इससे आप लोग मुक्काबाजी कर सकते हो, फिस्ट फाइट कर सकते हो। इसके बाद गाइस आते हैं हमारे यहाँ पे पालोमा गाइटर, जो कि एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है। एंड इसका काम क्या है, इसका एबिलिटी क्या है, तो अगर आपके पास कोई एमओ वगैरह तो एडिशनल 120 एमओ आपको मिलेगा एक्स्ट्रा, मतलब एमओ वगैरह आप लोग ज़्यादा कैरी कर सकते हो बैग के अंदर, तो बैग आपका थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन सिर्फ आप लोग उसके अंदर एमओ एक्स्ट्रा ले सकते हो, बाद बाकी आइटम आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो एमओ अगर आप लोग एक्स्ट्रा लेना चाहते हो या फिर बैग को आपको थोड़ा बड़ा करना है तो आप लोग इस वाले गाइटर को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद गाइस यहाँ पे मिगुल गाइटर आता है एंड ये भी बहुत ही मस्त कैरेक्टर है। तो ये वाला कैरेक्टर क्या काम करता है, सिंपल काम है, तो जैसे ही आप लोग किसी को नॉक करोगे या फिर किसी को डाउन करोगे, एंड सबसे पहले तो पैसिव स्किल कैरेक्टर, जैसे ही आप लोग किसी को नॉक करोगे या फिर एलिमिनेट करोगे तो आपको तुरंत ही 200 ईपी मिलेगा, मतलब जो मशरूम का पावर होता है ना, एक्स्ट्रा जो ईपी होता है ना, ईपी आपको 200 मिल जाएगा। तो जैसे किसी को नॉक करोगे या फिर किल करोगे तो आपको 200 ईपी मिल जाएगा, तो बहुत ही मस्त काम करता है, इसको भी यूज कर सकते हो। एंड पर्सनली मैंने यूज किया है, बहुत दिन पहले यूज किया, अब भी ज्यादा तो यूज नहीं करता, लेकिन बहुत बार जो मशरूम वगैरह होते हैं बहुत काम में आता है, तो उस टाइम पे आप लोग इसको जरूर यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ गया। फिर इसके बाद गाइस यहां पे कैरोलिन कैरेक्टर है एंड ये भी एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है एंड इसका एबिलिटी, जैसे आप लोग कोई भी शॉटगन वगैरह यूज करोगे, मतलब जो M87 होता है या फिर जैसे ही कोई, मतलब कोई भी शॉटगन यूज करोगे, तो उसका जो यहां पे मूवमेंट स्पीड है, मतलब आपका जो मूवमेंट स्पीड है वो यहां पे इंक्रीज हो जाएगा 13%। तो 13% मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, या फिर शॉटगन वगैरह चलाओगे तो स्पीड में आप लोग भाग पाओगे, मूवमेंट कर पाओगे एंड गोली वगैरह चला सकते हो स्पीड में। तो यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो, ज्यादा कम में तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप लोग शॉटगन चलाते हो सिर्फ तो डेफिनेटली यूज कर सकते हो। ओके, तो इसके बाद गाइस यहाँ पे एंटीनो गाइटर है एंड एक पैसिव स्किल गाइटर है। तो इसका काम क्या है, तो जैसे ही आप लोग लैंडिंग करोगे, मतलब फुल मैप के अंदर या फिर क्लास कोड के अंदर जैसे आप लोग जाओगे, तो आपको एक्स्ट्रा 400 SP मिलेगा, 40 SP आपको मिलेगा। तो जैसे आप लोग लैंडिंग करोगे फर्स्ट आपको 40 SP मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लोग उसको लूज कर देते हो तो आपका जो 40 SP का बार है ना, वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट में आपको 40 SP मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। उतरने के बाद ही रश वगैरह करते हो या फिर किल वगैरह करते हो तो इसको लेके खेल सकते हो। इसके बाद गाइस यहाँ पे मोको कैरेक्टर है एंड ये भी एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है। तो इस वाले कैरेक्टर को लेकर अगर आप लोग खेलते हो एंड किसी को डैमेज देते हो तो उसके ऊपर एक मार्क टाइप का बन जाता है 5 सेकंड के लिए, मतलब 5 सेकंड के लिए रहता है। तो आप लोग अगर किसी को डैमेज देते हो एंड उसको खोजना नहीं चाहते हो, आप लोग पहले से जाना चाहते हो कहाँ पे बंदा, तो आप लोग यूज कर सकते हो एंड बंदे को देख के जाके मार सकते हो। कहीं पे अगर छुप जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा मार्क के हिसाब से कि बंदा कहाँ पे गया। अगर आप लोग किसी को थोड़ा सा भी डैमेज देते हो एंड उसके बाद उसका जाना चाहते हो तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो। फिर इसके बाद गाइस यहां पे लॉरा कैरेक्टर है एंड एफ एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है। तो इस वाले कैरेक्टर को लेके अगर आप लोग खेलोगे तो आपका जो एक्यूरेसी है ना, मतलब वो यहां पे 15% इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी 50% इंक्रीज होगा। और इसको ऑन करने के बाद ही काम करेगा वाला कैरेक्टर, मतलब जैसे आप लोग इसको ऑन करोगे आपका एक्यूरेसी 50% इंक्रीज हो जाएगा, एंड इसको अगर आप लोग ऑन नहीं करते हो तो काम नहीं करेगा। तो ये वाला कैरेक्टर ऐसे ही काम करता है। एंड इसके बाद गाइस यहां पे हायतो कैरेक्टर है एंड एफ एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है। तो जैसे आप लोग हायतो लेके खेलोगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो आपको यहां पे मतलब जो डैमेज वगैरह मिलेगा तो उसका यहाँ पे 13% डिक्रीज हो जाएगा एंड एसवी से, मतलब 13% कम यहाँ पे आपका एसवी लेगा। एंड इसके साथ साथ आपका जो आर्मर पेनिट्रेशन है, मतलब जो आप लोग गोली वगैरह चलाते हो तो उसका जो आर्मर पेनिट्रेशन रहेगा वो यहाँ पे 5% इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग लेके खेल सकते हो। फिर इसके बाद गाइस आते हैं हमारा यहाँ पे A124 कैरेक्टर। तो ये भी एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है सबसे पहले, सॉरी ये वाला कैरेक्टर एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है, यानी कि आपको इसके लिए बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो इसका काम क्या है, जैसे ही आप लोग इसको यूज करना चाहते हो तो 8 मीटर के आसपास आपको यूज करना पड़ेगा। तो 8 मीटर के आसपास कोई भी बंदा रहेगा, अगर आप लोग इसको यूज करके उसके ऊपर एम करके मार पाते हो तो उसका जो यहाँ पे एक्टिव स्किल का पावर होगा ना, यहाँ पे खत्म हो जाएगा।
एंड यहाँ पे 30 सेकंड के लिए खत्म हो जाएगा, मतलब बहुत टाइम तक यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो दूसरे का जो एक्टिव स्किल का पावर है ना वो आप लोग खत्म कर सकते हो इस वाले कैरेक्टर को यूज करके, साथ ही साथ एनिमी को 25 का डैमेज भी मिल जाएगा, तो बहुत ही मस्त काम करते हैं। इसका जो कोल्डाउन टाइम है 50 सेकंड का, तो 50 सेकंड बाद आप लोग इसको यूज कर सकते हो। तो इसके बाद कैसे फिर रिफिल कैरेक्टर है एंड ये एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है, तो जैसे आप लोग रिफिल कैरेक्टर लेके खेलोगे एंड कोई भी स्नाइपर वगैरह चलोगे फिर मार्क्समैन राइफल यानी कि जूट वगैरह वगैरह होते हैं, तो अगर गन चलाते हो तो आपका गन का जो साउंड होता है ना खत्म हो जाता है, मतलब यहाँ पे साइलेंस लग जाते हैं ऑटोमेटिकली। एंड इसके साथ साथ जैसे किसी को नॉक करोगे तो उसको आप लोग 85% ज्यादा मतलब स्पीड में मार सकते हो। तो नॉक करने के बाद अगर आप लोग किसी को ज्यादा स्पीड में मारना चाहते हो तो इसको यूज कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग स्नाइपर वगैरह चलाते हो तो डेफिनेटली इसको यूज करना, बहुत ही मास कम करेगा, आपको साइलेंसर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद गाइस आते हैं हमारे पे शानी गेटर जो कि एक पैसिव स्किल गेटर है, तो अगर आप लोग इसको लेकर खेलते हो किसी को नॉक करते हो एंड आपका अर्मर थोड़ा सा डैमेज रहता है तो आपको 30% एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी मिल जाएगा आपका अर्मर के ऊपर। अगर आपका अर्मर 3 लेवल का ज्यादा है तो आपको और भी एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी मिलेगा, तो बहुत ही मस्त काम करते हैं, आप लोग इसको भी यूज कर सकते। इसके बाद गाइस आते हैं पे जोसेफ गाइटर जो कि एक पैसिव स्किल गाइटर है, तो अगर आप लोग इसको लेकर खेलते हो एंड अगर आपको थोड़ा सा डैमेज मिलते तो उस टाइम पे आपका जो मूवमेंट स्पीड है ना 15% इंक्रीज हो जाएगा। मूवमेंट आप लोग स्पीड में कर सकते हो अगर आप लोग इसको लेकर खेलते हो, अगर आपको जैसे ही डैमेज मिलेगा तो जल्दी आप लोग भाग सकते हो। इसके बाद गाइस आते हैं हमारे पर नटोरा गाइटर, तो अगर आप लोग इसको लेके खेलते हो सबसे पहले तो पैसिव स्किल गाइटर, अगर आप लोग इसको लेके खेलते हो एंड ड्राइविंग करते हो तो ड्राइविंग करने के टाइम पे 2 सेकंड बाद आपको 5 SV करके मिलेगा, तो 5 SV करके आप लोग ले सकते हो 2 सेकंड बाद। तो ड्राइविंग वगैरह करते हो अगर आप लोग ड्राइविंग करते हो व्हीकल वगैरह चलाते हो तो इसको लेके जरूर खेल सकते हो। इसके बाद गाइस आते हैं हमारे पे सेल्फी गाइटर एंड ये भी एक पैसिव स्किल गाइटर है, सॉरी एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है, तो अगर आप लोग जैसे इसको लेके खेलोगे एंड इसका पावर को यूज करोगे तो 4 मीटर के आसपास एक ऑरा टाइप का बनाएगा एंड उसके अंदर आपका जो अर्मर ड्यूरेबिलिटी वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा 10%। एंड आपको अगर कोई भी एनिमी डैमेज वगैरह देते तो डैमेज का यहाँ पे 20% इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कोई भी डैमेज वगैरह देगा 100 का डैमेज देगा तो 80 का डैमेज आपको मिलेगा। एंड इसका जो इफेक्ट है 15 सेकंड के लिए रहेगा एंड साथ ही साथ इसका जो कूलडाउन टाइम है वहाँ पे 60 सेकंड का, मतलब 1 मिनट का कूलडाउन टाइम है, तो इसको भी आप लोग यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा खास नहीं लेकिन यूज करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। और इसके बाद गाइस आते हैं हमें पे अल्वरो गाइटर जो कि एक पैसिव स्किल गाइटर है, तो अगर आप लोग इसको लेके खेलोगे एंड कोई भी बॉम्ब वगैरह चलाते हो मतलब ग्रेनेड वगैरह चलाते हो कोई भी मतलब एक्सप्लोसिव टाइप का कुछ भी चलाते हो तो उसका जो डैमेज है यहाँ पे 20% इंक्रीज हो जाएगा एंड साथ ही साथ जो आपका फेंकने का रेंज है ना वो यहाँ पे 10% इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ज्यादा दूर तक आप लोग फेंक सकते हो। तो अगर आप लोग ग्रेनेड लेके खेलते हो डेफिनेटली आपके लिए किंग कैरेक्टर है, तो इसको लेके आप लोग खेल सकते हो। और इसके बाद गाइस आते हैं हमारे कपिले गाइटर एंड एक पैसिव स्किल गाइटर है, तो अगर आप लोग इसको लेके खेलते हो एंड किसी टीममेट को रिवाइव करते हो तो रिवाइव वाले बंदे को मतलब जिसको भी रिवाइव करोगे उसको 80 का SV मिलेगा, साथ ही साथ उसको यहाँ पे 10% का मूवमेंट स्पीड भी मिल जाएगा, लेकिन जो मूवमेंट स्पीड रहेगा ना वो यहाँ पे 4 सेकंड बाद खत्म हो जाएगा। एंड उसके बाद कोई भी अगर आप लोग एनिमी वगैरह को किल करोगे 35% ज्यादा स्पीड में आप लोग किल कर सकते हो, मतलब नॉक बंदे को। फिर इसके बाद गाइस आते हैं यहाँ पे क्लू गाइटर जो कि एक एक्टिव स्किल गाइटर है, तो अगर आप लोग क्लू गाइटर लेके खेलते हो एंड इसको एक्टिव करते हो मतलब इसको यूज करते हो तो 65 मीटर के आसपास कोई भी एनिमी रहेगा, जो भी एनिमी रहेगा अगर सो के नहीं रहेगा लेट के नहीं रहेगा तो उसका जो लोकेशन है आप लोग देख पाओगे, लेकिन ये चीज बस 10 सेकंड के लिए आप लोग देख पाओगे एंड इसका जो कूलडाउन टाइम है यहाँ पे 45 सेकंड का है, तो ऐसे आप लोग इसको यूज कर सकते हो। फिर इसके बाद गाइस आते हैं हमें फिर लुकुएटा गाइटर जो कि एक पैसिव स्किल गाइटर है, तो अगर आप लोग इसको लेके खेलते हो लुकुएटा गाइटर को लेके खेलते हो तो जैसे ही किसी को आप लोग यहाँ पे एलिमिनेट करोगे मतलब किसी को अगर आप लोग किल करते हो तो 25 का आपको एक्स्ट्रा SP बार मिल जाएगा, मतलब SV आपको ज्यादा मिलेगा तो 25 का आपको SV मिलेगा, मतलब आपके पास 200 SV रहता है तो 225 का SV आपको हो जाएगा। जैसे आप लोग सेकंड किल करो फिर इसके बाद फिर से आपको 25 का SV मिलेगा, मतलब आपके पास 250 का टोटल SV आ जाएगा। तो अगर आप लोग इसको लेके खेलते हो तो आपका जो SV का बार होता है ना उसका आप लोग इंक्रीज कर सकते हो एंड 200 से सीधा 250 का SV आप लोग बना सकते हो। फिर इसके बाद गाइस यहां पे दशा कैरेक्टर है, तो अगर आप लोग दशा कैरेक्टर को लेके खेलते हो सबसे पहले तो पैसिव स्किल कैरेक्टर है, तो इसको लेके खेलते हो किसी को नॉक कर दो तो आपका जो रेट ऑफ फायर है गन का जो यहाँ पे रेट ऑफ फायर होता है वो यहाँ पे 18% इंक्रीज हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका जो मूवमेंट स्पीड है 12% इंक्रीज हो जाएगा, तो बहुत ही मस्त है। एंड जो ये चीज काम करेगा ना यहाँ पे 6 सेकंड के लिए बस काम करेगा एंड इसके बाद फिर से आप लोग दोबारा से यूज कर सकते हो 6 सेकंड बाद करके, तो कुछ इस तरह का यहाँ पे इसका एबिलिटी है, यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो। एंड इसके बाद गाइस आते हैं हमारे फिर वोल्फ्रा कैरेक्टर जो कि आप लोग देख सकते हो एंड एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है, मतलब यहाँ पे कोई भी बटन वगैरह आपको प्रेस नहीं करना है, तो इस वाले कैरेक्टर को लेकर अगर आप लोग खेलते हो मतलब वोल्फ्रा लेके खेलते हो एंड किसी को नॉक करते हो किसी को किल करते हो, जिसको किल करोगे वो अगर आपको दिखेगा मतलब आपका गेम प्ले को दिखेगा, तो जितना ज्यादा बंदे आपका गेम प्ले दिखेगा उतना ज्यादा जो आपका हेडशॉट रेट है मतलब आपका नहीं मतलब कोई अगर
आपको हेयर शॉट मारता है तो उसका जो डैमेज है ना वो आपको कम लगेगा। तो हेयर शॉट का जो डैमेज है वो यहाँ पे 10% सबसे पहले कम कर देगा। इसके साथ साथ जितने ज्यादा बंदे आपको दिखेगा, मतलब जो आप लोग जिसको भी किल करोगे, तो ऐसे है कि बहुत सारे बंदे को अगर आप लोग किल कर देते हो एंड सभी बंदे अगर आपको दिखता है तो मैक्सिमम 30% का जो डैमेज है आपको कम मिलेगा। तो हेयर शॉट का डैमेज आपको कम पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको हेयर शॉट वगैरह मारता है तो बहुत ही कम डैमेज लगेगा आपको। तो डेफिनेटली यूज कर सकते हो अगर आपको हेयर शॉट वगैरह बहुत ही पड़ता है। फिर इसके बाद गाइस आते हैं हमारे के कैरेक्टर, जो कि बहुत लोगों का फेवरेट कैरेक्टर है। तो के कैरेक्टर एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है एंड इसको यूज करने के लिए आपको बटन वगैरह प्रेस करना पड़ेगा। के कैरेक्टर को लेकर अगर आप लोग खेलते हो एंड इसका जो एक्टिव स्किल का बटन है उसको आप लोग यूज करते हो तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो ईपी मिलेगा, मतलब जो यहाँ पे मशरूम का पावर होता है ना वो आपको मिलेगा थोड़ा थोड़ा करके। इसके बाद दोबारा से जब आप लोग क्लिक करोगे तो आपको स्टैम्प पे जो ईपी रहेगा ना वो यहाँ पे बहुत ही स्पीड में एसपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। 600% इंक्रीज हो जाता है ईपी में कन्वर्ट होना, तो बहुत ही स्पीड में आपको यहाँ पे एसपी मिल जाएगा। तो ईपी से आपको एसपी में कन्वर्ट कर देगा बहुत ही स्पीड में एंड साथ ही साथ आपको ईपी भी देने वाला है। इसका कूल डाउन टाइम बस 6 सेकंड का है, मतलब आप लोग बहुत ही तुरंत इसको आप लोग यूज कर सकते हो, बार बार आप लोग इसको यूज कर सकते हो। फिर इसके बाद क्या जाते हैं हमारे यहाँ पे स्काइलर कैरेक्टर, जो कि एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है। ये वाला कैरेक्टर ग्लोअल फोड़ने के लिए बहुत ही मदद होता है, मतलब बहुत ही काम करते हैं। तो इस वाले कैरेक्टर को आप लोग जैसे यूज करोगे एंड इसका जो एक्टिव स्किल का बटन होता है ना उसको प्रेस करोगे, आपके सामने अगर कोई भी एनिमी ग्लोअल वगैरह लगा के बैठ रहा है तो उसकी तरफ आप लोग बस यूज करना है इसको। तो जैसे आप लोग यूज करोगे एंड उसका एक रेडियस रहता है 4 मीटर का एक रेडियस बना देते हैं, तो उसके अंदर कोई भी ग्लोअल रहेगा तो ये पे बहुत ही स्पीड में फूट जाएगा, लगभग 5 सेकंड के अंदर फूट जाता है। तो बहुत ही मस्त काम करेगा एंड इसका कूलडाउन 45 सेकंड का। इसके बाद गाइस यहां पे शिरू कैरेक्टर है, जो कि एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है। तो अगर आप लोग इसको लेके खेलते हो, शिरू कैरेक्टर को लेके खेलते हो एंड किसी को डैमेज देते हो 100 मीटर के अंदर, किसी को अगर आप लोग डैमेज देते हो तो उसके ऊपर एक मार्क टाइप का बन जाएगा, मतलब आप लोग बंदे को देख पाओगे कहां पे बंदा जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है, कहां पे छुप रहा है, तो एक मार्क टाइप का बन जाएगा, बस 6 सेकंड के लिए रहेगा। एंड जो मार्क है ना वो आपका टीममेट के साथ भी शेयर होगा, मतलब टीममेट भी देख पाएगा बंदा कहां पे जा रहा है, जिसको आप लोग डैमेज दिए हो वो कहां पे गया नहीं गया वो आपका टीममेट भी देख पाएगा। एंड साथ ही साथ आपका जो अर्मर पेनिट्रेशन बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, 100% इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम जैसे ही किसी को डैमेज दोगे आपका अर्मर पेनिट्रेशन 100% इंक्रीज हो जाएगा एंड इसका जो कूलडाउन टाइम है 10 सेकंड का। इसके बाद गाइस आते हैं यहां पे मारो कैरेक्टर, मतलब मुझे मारने के लिए नहीं बोल रहे, इसका नाम ही मारो है, मारो हमको मारो। जैसे आप लोग मारो कैरेक्टर को यूज करोगे एंड दूर का किसी एनिमी को मारोगे तो 25% का एक्स्ट्रा डैमेज मिलेगा। साथ ही साथ किसी मार्क किया हुए बंदे को डैमेज दोगे तो 3.5% का एक्स्ट्रा डैमेज भी आप लोग दे पाओगे। तो इस तरह का काम करेगा, अगर आप लोग यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो। फिर इसके बाद गाइस यहां पे डेवी कैरेक्टर है, जो कि एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है। तो जैसे आप लोग इसको लेके खेलोगे एंड किसी को फायर वगैरह करोगे, मतलब फायरिंग बस आप लोग करोगे, तो आपका जो मूवमेंट स्पीड है यहाँ पे 30% इंक्रीज हो जाएगा एंड इसके बाद आपका जो एक्यूरेसी है वो यहाँ पे 60% इंक्रीज हो जाएगा। तो बस इतना ही काम करता है, इस तरह से आप लोग यूज कर सकते हो। इसके बाद गाइस यहां पे थीवा कैरेक्टर है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल कैरेक्टर है। अगर आप लोग थीवा कैरेक्टर को लेके खेलते हो एंड किसी आपका टीममेट को रिवाइव करते हो तो तुरंत ही सबसे पहले तो उसको 60 AC मिल जाएगा एंड उसका जो रिवाइव होने का स्पीड है ना भाई बहुत स्पीड हो जाएगा, मतलब 75% स्पीड से आप लोग रिवाइव कर सकते हो। तो मतलब लगभग 2 से 3 सेकंड लगते हैं, मतलब बहुत ही स्पीड में आप लोग रिवाइव कर सकते हो। और इसका जो कूलडाउन टाइम है 60 सेकंड का है, मतलब 60 सेकंड बाद आप लोग इसको रिवाइव करोगे तो बहुत ही जल्दी रिवाइव भी होगा एंड साथ ही साथ 60 का SP भी मिल जाएगा। फिर इसके बाद गाइस यहां पे थीवा कैरेक्टर है, जो कि एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है एंड रियल में यहां पे थीवा का फ्रेंड है दिमित्री। तो दिमित्री कैरेक्टर क्या करेगा, जैसे ही आप लोग इसको यूज करोगे तो सबसे पहले एक्टिव स्किल कैरेक्टर है एंड इसका एक बटन प्रेस करना पड़ेगा आपको। तो जैसे ही आप लोग इसको यूज करोगे, इसका बटन को प्रेस करोगे तो उस टाइम पे अगर आपको कोई भी एनिमी अगर नॉक कर देते तो आप लोग ऑटोमेटिकली रिवाइव हो सकते हो, मतलब आप लोग खुद से रिवाइव हो सकते हो, आपको कोई भी बंदा मतलब जरूरत नहीं पड़ेगा रिवाइव करने के लिए, तो आप लोग खुद से रिवाइव हो सकते हो। एंड कोई अगर आपका टीममेट नॉक होके भरा है एंड उस जगह पे जाके आप लोग बस इसको यूज कर देना, जैसे आप लोग यूज करोगे तो एक ऑरा टाइप का बन जाता है 3.5 मीटर का, तो उस ऑरा के अंदर आपका टीममेट रहेगा, जो नॉक हुआ टीममेट है ना वो रहेगा, तो ऑटोमेटिकली वो रिवाइव भी हो सकता है। तो बहुत ही मास्ट काम करते हैं, अगर आप लोग रिवाइव होना चाहते हो ऑटोमेटिकली तो इसको यूज कर सकते हैं। इसका कूलडाउन टाइम है 60 सेकंड। इस वाले कैरेक्टर से आपको ऐसे भी मिलेगा 10 SP आपको मिल सकता है इस वाले कैरेक्टर से। तो जैसे आप लोग यूज करोगे आपको 10 SP एक्स्ट्रा मिल जाएगा। फिर इसके बाद गाइस यहां पे ओथो कैरेक्टर है, जो कि एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है। तो अगर आप लोग 20 मीटर के अंदर किसी भी एनिमी को नॉक करते हो तो नॉक किया हुआ जो बंदा रहेगा, मतलब जो एनिमी रहेगा ना उसका जो मूवमेंट स्पीड 25% डिक्रीज हो जाएगा। तो मुझे ज्यादा कोई काम का कैरेक्टर नहीं लगा भाई, डिक्रीज करने की क्या जरूरत है, मतलब कोई अगर नॉक हो चुका है तो उसका मूवमेंट स्पीड डिक्रीज करने से क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो, मुझे तो भाई यूजलेस कैरेक्टर लगा। एंड इसके बाद गाइस यहां पे आते हैं हमारा नायरी कैरेक्टर। तो यहां पे नायरी कैरेक्टर है, जैसे आप लोग देख सकते हैं इसकी पैसिव है, तो पैसिव स्किल कैरेक्टर है। तो अगर आप लोग नायरी कैरेक्टर लेके खेलते हो तो आपका जो ग्लोअल वगैरह है ना, मतलब जो भी आप लोग ग्लोअल वगैरह लगाओगे उसका ड्यूरेबिलिटी 50% इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ग्लोअल का पावर इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप लोग एयर एमो गन से कोई भी ग्लोअल को फोड़ोगे तो उस टाइम पे 35% डैमेज ज्यादा मिलेगा, मतलब ज्यादा स्पीड में आप लोग ग्लोअल को फोड़ पाओगे एंड आपका ग्लोअल को कोई फोड़ नहीं पाएगा, मतलब बहुत ही मुश्किल होने वाला है। फिर इसके बाद
साथ है हमारे यहाँ पे केंटा कैरेक्टर जो कि एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है। तो अगर आप लोग केंटा कैरेक्टर को लेके खेलते हो एंड इसका एक्टिव स्किल का जो पावर होता है उसको यूज करते हो तो आपके सामने एक शील्ड जैसा बन जाएगा एंड उसका जो यहाँ पे मतलब डैमेज है ना, कोई भी बंदा अगर आपका सामने से डैमेज करेगा तो 60% कम आपको डैमेज मिलेगा। एंड अगर आप लोग किसी को डैमेज करते हो, मतलब आप लोग अगर उसके अंदर से ही डैमेज करते हो, उसके अंदर से गोली वगैरह चलाते हो, तो 20% का डैमेज कम लगेगा। मतलब आप लोग अगर बंदे को डैमेज दे दो तो 20% बस कट हो जाएगा उससे एंड बाकी आप लोग डैमेज दे सकते हो। इसका जो टाइम रहेगा 5 सेकंड के लिए रहेगा, मतलब बस 5 सेकंड के लिए एक शील्ड बनेगा एंड इसके बाद इसका जो कूलडाउन टाइम है यहाँ पे 70 सेकंड का ही, मतलब बहुत ही लंबा टाइम चलेगा, मतलब रिचार्ज होने के लिए बहुत ही लंबा टाइम लगेगा, सहलेंगे थोड़ा सा। तो इसके बाद कैसे पे शाइनी गाइटर है जो कि एक एक्टिव स्किल गाइटर है, तो अगर आप लोग इसको लेके खेलते हो, इसको यूज करते हो तो उस टाइम पे आपको तुरंत ही सबसे पहले तो 60 का टेम्परेरी एसपी मिलेगा जो कि 12 सेकंड के लिए रहेगा, तो आपको 60 एक्स्ट्रा एसपी मिल जाएगा। तो अगर आप लोग रश वगैरह करते हो तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो, 12 सेकंड के लिए आपको 60 एसपी एक्स्ट्रा मिलेगा एंड साथ ही साथ उस टाइम के अंदर आपका जो हीलिंग इफेक्ट है, मतलब अगर आप लोग मशरूम वगैरह है आपके पास तो मशरूम से एसपी में कन्वर्ट होने का जो स्पीड है ना बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, 75% इंक्रीज हो जाएगा, तो अच्छा काम करेगा एंड इसका कूलडाउन टाइम 75 सेकंड का है। अच्छा, फिर इसके बाद कैसे यहाँ पे ये पटुआ कैरेक्टर है एंड इसके अंदर भी कोई स्किल नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई भी स्किल नहीं है, सिंपल सा बस कैरेक्टर है। इसके अंदर लोग दूसरे कैरेक्टर्स का स्किल यूज करके खेल सकते हो तो इसको छोड़ते हैं। इसके बाद कैसे यहाँ पे हमारा आयरिस कैरेक्टर है जो कि एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है, तो इसको लेके अगर आप लोग खेलते हो एंड इसका वीडियो यूज करते हो एंड कोई भी ग्लोअल को मतलब फायर कर दो, ग्लोअल के ऊपर फायर कर दो, ग्लोअल के पीछे अगर कोई एनिमी रहता है तो एनिमी जहाँ पे रहेगा ना वहाँ पे मार्क टाइप का बन जाएगा, मतलब एनिमी कहाँ पे रहेगा आपको दिखाई देगा एंड ग्लोअल का आर बार आप लोग मार सकते हो, लेकिन आपको 7 मीटर के आसपास रहना पड़ेगा, मतलब एनिमी से आपको 7 मीटर के अंदर ही रहना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग ग्लोअल का आर पर मार सकते हो, ग्लोअल का आर पर एनिमी को डैमेज दे सकते हो एनिशिस 3 ग्लोअल के आर पार भी काम करेगा, मतलब 3 ग्लोअल का आर पार भी आप लोग उसको डैमेज दे सकते हो, एनिमी को डैमेज दे सकते हो एंड इसका कूलडाउन टाइम 60 सेकंड। इसके बाद कैसे पे लूना कैरेक्टर है जो कि एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है, तो अगर आप लोग इसको लेके खेलोगे एंड फायर करोगे तो फायर करने के टाइम पे जैसे आप लोग फायर करोगे किसी को हिट करोगे यहाँ पे 8% का फायरिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा एंड मैक्सिमम 15% तक जाएगा एंड 15% जैसे ही क्रॉस हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा मूवमेंट स्पीड, मतलब मूवमेंट स्पीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मूवमेंट स्पीड भी आपका इंक्रीज होगा एंड साथ ही साथ फायरिंग रेट तो इंक्रीज होने वाला है, तो इस तरह का काम करेगा वाला कैरेक्टर। इसके बाद कैसे पे हमारा ओरियन कैरेक्टर जैसे आप लोग देख सकते हो, तो सबसे पहले वाला कैरेक्टर एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है, तो इसको लेके अगर आप लोग खेलना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास ईपी होना चाहिए, मतलब आपके पास ईपी होना चाहिए, नहीं तो आप लोग इसका एबिलिटी यूज ही नहीं कर पाओगे एंड आपका जो ईपी बार है ना यहाँ पे 300 का भी बन जाएगा, मतलब आप लोग इसको 2 बार यूज कर सकते हो, 1 बार यूज करोगे तो 150 का ईपी आपका खा लेगा, मतलब 150 ईपी आपका चला जाएगा एंड ऐसे करके आप लोग 2 बार कर सकते हो अगर आपके पास 300 का ईपी रहेगा। तो जैसे आप लोग इसको यूज करोगे 150 सबसे पहले तो आपके पास ईपी होना चाहिए, तो 150 आपके पास ईपी रहेगा एंड अगर आप लोग इसको यूज करते हो तो 3 सेकंड के लिए आप लोग एक गोला टाइप का बन जाओगे, लेकिन जब आप लोग गोला बनोगे ना उस टाइम पे आप लोग गोली नहीं चला सकते हो, कोई भी चीज नहीं कर सकते, बस गोला बन के आप लोग रह सकते हो। जिस टाइम तक आप लोग गोला बनोगे ना, मतलब 3 सेकंड के लिए जो आप लोग गोला बनोगे तो उसका आसपास, मतलब जो आप लोग गोला बनोगे ना उसका आसपास 5 मीटर के आसपास अगर कोई एनिमी रहेगा तो उसको डैमेज भी मिलेगा, लेकिन जो उसको डैमेज मिलेगा उसका डैमेज आपको मिल जाएगा, मतलब उसका डैमेज लेके आपको एसपी भी मिल जाएगा, मतलब ऐसे बोल सकते हो कि ये वाला कैरेक्टर एसपी को चोरी कर दे, मतलब दूसरे का एसपी चोरी करके आपको दे देगा, तो ऐसे काम करेगा। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स वगैरह बना के रखा है, आप लोग जाके देख सकते हो डेफिनेटली। इसके बाद गाइस आते हैं हमारे यहाँ पे प्रीमिस कैरेक्टर जो कि माय फेवरेट कैरेक्टर है, मतलब बहुत ही मस्त कैरेक्टर है। वाला कैरेक्टर का काम क्या है, इसका एबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कोई भी इसका एबिलिटी नहीं है, कोई भी इसका काम की नहीं है, बस क्या कर सकते हो इसको आप लोग काला कर सकते हो या फिर तो सफेद कर सकते हो, लाइक कुछ इस तरह से करके देख सकते, इससे ऐसे काला होता है एंड इससे करके सफेद होता है, तो कोई भी कैरेक्टर का इस तरह का एबिलिटी नहीं है काला सफेद करने का, बस इसका है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो नुल्ला कैरेक्टर, मतलब इसका जो गर्लफ्रेंड है ना, इसका भी सेम एबिलिटी जैसे आप लोग देख सकते हो, इसके अलावा कोई भी इन दोनों का एबिलिटी नहीं है, तो कुछ इस तरह का यहाँ पे कैरेक्टर। तो इसके बाद गाइस आते हैं हमारा केली कैरेक्टर जो कि एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है, तो केली कैरेक्टर का काम क्या है कि जो आप लोग दौड़ते हो ना, मतलब जो आप लोग भागते हो दौड़ते हो तो उसका जो स्पीड है 6% इंक्रीज कर देते हैं, तो आप लोग 6% ज्यादा स्पीड से दौड़ सकते हो, तो अगर आप लोग दौड़ना चाहते हो बहुत ही स्पीड से तो आप लोग इसको जरूर से यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद गाइस आते हैं हमारा मैक्सिम कैरेक्टर जो कि एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है और इसका काम क्या है कि आप लोग अगर यहाँ पे मशरूम वगैरह खाते हो या फिर तो मेडिकेट लेते हो तो उसका जो स्पीड होता है यहाँ पे 25% इंक्रीज कर देते हैं। मेरा तो पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर है, अगर आप लोग यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो, अगर आप लोग स्पीड में मेडिकेट लेना चाहते हो तो जरूर यूज करना। फिर इसके बाद गाइस आते हैं हमारा सैंडिनो कैरेक्टर जो कि एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है, तो अगर आप लोग इसको लेके खेलते हो तो आप लोग एक पुतला टाइप का बना सकते हो एंड जैसे आप लोग इसका एक्टिव स्किल कैरेक्टर को यूज करोगे तो एक पुतला टाइप का बन जाता है एंड उसका एसपी रहता है 200 का, उसको आप लोग किसी दूर जगह पे छोड़ सकते हो, मतलब फेंक सकते हो दूर तक चला जाता है एंड जैसे दूर चला जाएगा ना आप
लोग टेलीपोर्ट हो सकते हो दोबारा, जो आपका एक्टिविस्ट का कैरेक्टर है ना उस पर आप लोग बस टैप करना, आप लोग टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पे जा सकते हो। एंड इस वाले कैरेक्टर का कुल डाउन टाइम है 80 सेकंड का, मतलब 80 सेकंड बाद आप लोग दोबारा से यूज कर सकते हो। फिर इसके बाद कैसे हमारे यहाँ पे वुकोंग कैरेक्टर जो कि एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है, तो अगर आप लोग वुकोंग कैरेक्टर लेके खेलते हो तो आप लोग एक ग्रास टाइप के बन सकते हो। एंड जो ग्रास का यहाँ पे टाइमिंग रहेगा यहाँ पे 15 सेकंड का रहेगा, मतलब 15 सेकंड तक आप लोग रह सकते हो। एंड इसका कुल डाउन टाइम है 200 सेकंड का, मतलब बहुत देर तक रहता है। लेकिन इसका जो मेन चीज है ना, जैसे कि आप लोग किसी को एलिमिनेट करोगे, किसी को नॉक करोगे, तो तुरंत ही इसका जो एबिलिटी है ना यहाँ पे रिचार्ज हो जाता है, मतलब दोबारा आप लोग यूज कर सकते हो। एंड इसका जो ग्रास होता है ना उसके ऊपर बहुत ही इजीली एम वगैरह नहीं होते हैं, मतलब कोई बंदा आपको नहीं मार पाएगा, बहुत ही मुश्किल होता है। मैं तो बहुत ही ज्यादा इस वाले कैरेक्टर को यूज करता हूं, आप लोग भी यूज कर सकते हो अगर करना चाहते हो। एंड इसके बाद गाइस यहां पे हमारा छोटा कैरेक्टर है जो कि आप लोग देख सकते हो, एंड एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है। तो छोटा कैरेक्टर क्या करता है, जैसे आप लोग कोई भी एनिमी को डैमेज देते हो, किसी को नॉक करते हो या फिर तो किसी को एलिमिनेट करते हो, तो तुरंत ही आपको 20% एक्स्ट्रा एसपी मिल जाएगा, मतलब आपके पास जितना भी एसपी रहेगा उसका 20% एक्स्ट्रा आपको एसपी मिल जाएगा। तो अगर आपके पास 100 का एसपी रहेगा तो आपको 20 का एसपी मिल जाएगा, एंड अगर आपके पास 200 का एसपी रहेगा तो आपको यहां पे 40 एसपी मिल जाएगा। इसके बाद गाइस आते हैं हमारा कोरोना कैरेक्टर जो कि आप लोग देख सकते हो, CR7 का कैरेक्टर, मतलब रोनाल्डो का कैरेक्टर है। आने वाला कैरेक्टर एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है, तो अगर आप लोग इस वाले कैरेक्टर को लेके खेलते हो, इसको यूज करते हो, इस वाले कैरेक्टर का जो पावर होता है, मतलब जो बटन होता है उसको प्रेस करते हो तो एक शील्ड टाइप के बन जाते हैं आपका, मतलब चारों तरफ एक शील्ड टाइप के बन जाएगा। एंड शील्ड के आर पर आप लोग बंदे को नहीं मार सकते, एंड साथ ही साथ बंदे भी, मतलब जो आपका एनिमी रहेगा वो भी आपको शील्ड का आर पर नहीं मार सकता है। तो बस इतना ही काम है। एंड इसका जो टाइमिंग है 6 सेकंड का ही, मतलब 6 सेकंड तक यहाँ पे एक शील्ड बना रहेगा। एंड इसका कुल डाउन टाइम है 110 सेकंड का। फिर इसके बाद गाइस यहाँ पे लियोन कैरेक्टर है जो कि एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है, तो अगर आप लोग इस वाले कैरेक्टर को लेके खेलते हो, लियोन कैरेक्टर को लेके खेलते हो, तो जैसे ही आपको डैमेज मिलेगा तो 60 एसपी आपको मिल जाएगा तुरंत। एंड बहुत ही स्पीड में नहीं मिलते, धीरे धीरे करके मिलते हैं, तो जैसे ही आपको डैमेज मिलेगा आपको 60 एसपी मिल जाएगा। मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, आप लोग भी यूज करना चाहते हो तो जरूर से यूज कर सकते हो। फिर इसके बाद गाइस आते हैं हमारा हुमर कैरेक्टर जो कि आप लोग देख सकते हो, एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है। तो अगर आप लोग हुमर कैरेक्टर को लेके खेलते हो तो एक ड्रोन टाइप के बन जाते हैं। एंड 100 मीटर के आसपास अगर कोई एनिमी रहेगा आपका, 100 मीटर के आसपास कोई एनिमी रहेगा, एनिमी के ऊपर ड्रोन जाके फुट जाता है। एंड जैसे ही फुटेगा तो 25 का सबसे पहले डैमेज देगा। एनिमी का जो मूवमेंट स्पीड है ना यहाँ पे 60% डिक्रीज हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मूवमेंट कम हो जाता है। एंड इसके साथ साथ आपका जो फायरिंग रेट है 35% इंक्रीज भी हो जाएगा। एंड ये चीज काम करेगा बस 5 सेकंड के लिए, तो 5 सेकंड के लिए एनिमी का मूवमेंट स्पीड कम हो जाएगा, आपका फायरिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, मतलब आप लोग बंदे को जाके तुरंत ही मार सकते हो। गाइस अभी एक बहुत ही मस्त ऑफर है फीफा की तरफ से, जिससे आप लोग फ्री में डायमंड ले सकते हो या फिर फ्री में रिडीम कोड भी ले सकते हो। बहुत ही मस्त ऑफर है, बट कैसे क्या करें नहीं करें इसके बारे में जानने तो डिस्क्रिप्शन में आपको और एक वीडियो का लिंक मिलेगा, इस वीडियो को देखने के बाद उसको जाके देख लेना। तो इस तरह का इसका वीडियो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट गाइस यहां पे जे वेब्स कैरेक्टर है, तो जस्टिन बीबर का कैरेक्टर है। एंड वाला कैरेक्टर एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है, तो जैसे ही आप लोग इस वाले कैरेक्टर को लेके खेलोगे तो सबसे पहले आपके पास ईपी होना चाहिए इसके। आपके पास अगर ईपी रहेगा एंड कोई बंदा आपको अगर डैमेज देता है, कोई एनिमी आपको अगर डैमेज देता है, सबसे पहले तो एसपी से डैमेज लेगा, उसके साथ साथ ईपी से भी डैमेज लेने वाला है। मतलब जैसे ही आपको 100 का डैमेज मिलेगा तो 88 का डैमेज आपका एसपी से जाएगा, एंड 12 का डैमेज जाएगा आपका ईपी से। कुछ इस तरह से करके काम करते हैं, अच्छा एक कैरेक्टर है, अगर आपके पास ईपी वगैरह रहता है तो बहुत ही मस्त काम करेगा, तो यूज कर सकते। फिर इसके बाद गाइस आते हैं हमारा तस्तुआ कैरेक्टर जो कि आप लोग देख सकते हो, आने वाले कैरेक्टर एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है। तो अगर आप लोग इस वाले कैरेक्टर को लेके खेलते हो, तस्तुआ कैरेक्टर को लेके खेलते हो, तो आप लोग बहुत ही स्पीड से दौड़ सकते हो। 0.3 सेकंड के लिए आप लोग बहुत ही स्पीड में दौड़ सकते हो। एंड इसका जो एबिलिटी है आप लोग 3 बार यूज कर सकते हो, लगातार 3 बार यूज कर सकते हो, बस 1 सेकंड का आपको गैप देना पड़ेगा। एंड लगातार आप लोग 3 बार यूज कर सकते हो, बहुत ही स्पीड में दौड़ सकते हो। एंड इसका कूल डाउन टाइम है 45 सेकंड का। इसके बाद गाइस आते हैं हमारा अलोक कैरेक्टर जो कि बहुत ही मस्त कैरेक्टर है, बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है। आने वाला कैरेक्टर एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है, तो आप लोग जैसे इस वाले कैरेक्टर को लेके खेलोगे एंड इसका पावर बटन को यूज करोगे तो आपका एक औरा टाइप का बन जाएगा, 5 मीटर के अंदर एक औरा टाइप का बन जाता है। इसके अंदर आपको एसपी मिलता है, 10 सेकंड तक आपको एसपी मिलेगा, 10 सेकंड में आपको 30 एसपी मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आपका जो मूवमेंट स्पीड है वो यहाँ पे 15% इंक्रीज हो जाता है, तो अच्छा काम करता है। इसका जो कूल डाउन टाइम है 45 सेकंड का है, मतलब बहुत ही जल्दी आप लोग रिचार्ज भी कर सकते हो एंड दोबारा यूज कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे फीवर का सारे कैरेक्टर्स का एबिलिटी था, सारे जितने भी सारे कैरेक्टर था सारे कैरेक्टर का एबिलिटी मैंने आपको बता दिया। एंड आई होप आपको समझ में आ चुका होगा सारे कैरेक्टर का एबिलिटी क्या है, कैसे काम करता है। अगर आप लोग वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो ढेर से शुक्रिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया। एंड बहुत कुछ आप लोग सीख गए होंगे वीडियो को देखते हो। इस वीडियो के अंदर कैसे था, आई होप आपको वीडियो पसंद होगा। एंड अगर पसंद आए वीडियो तो आपका स्क्रीन के ऊपर और एक वीडियो आ रहा होगा, आप लोग उसको भी जगह देख सकते हो जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करें तो लाइक करें, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो वो भी करें, उसके बाद एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा कर सीट करना। तो इस वाले वीडियो के लिए कैसे इतना ही था, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।